सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज प्रायिकता का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। प्रायिकता, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है? विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि घटना घटने की और घटना नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग एक होता है। घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। तो पी ए घटना घटने की प्रायिकता है 0.65, पी ए का बार घटना नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी ए का बार बराबर 1 - पी ए, नहीं घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 - घटना घटने की प्रायिकता। पी ए का बार बराबर 1 - 0.65। अब 1 में से 0.65 घटाए तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता पी ए का बार बराबर 5 - 5 = 7, 3, तो 0.35। तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान है 0.35। उत्तर। अगला प्रश्न है 8। एक पैसे को 2 बार उछाला जाता है, एक पैसे को 2 बार उछाला जाता है या 2 पैसों को 1 बार उछाला जाता है, बात एक ही है। एक पैसे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है? तो अपन जानते हैं कि पासे में 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब 2 पासों को उछालते हैं तो कुल घटना 6 × 6 = 36 होती है। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल घटना कितनी होंगी? 36। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल घटना हो गई 36। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक को 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 पहली घटना ही है। दूसरी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। तीसरी 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। चौथी 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। पांचवी 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। छठी 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इस प्रकार से ये कुल घटनाएं कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। कुल घटना हो गई 36। संख्याओं का योग 9, ऐसी संख्याएं बतानी है जिनमें संख्याओं का योग कितना हो? 9 हो। तो 3 और 6 = 9 होते हैं, 4 और 5 = 9 होते हैं, 5 और 4 = 9 होते हैं, 6 और 3 = 9 होते हैं। तो संख्याओं का योग 9 आने वाली संख्याएं हैं 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3। कुल संख्या हो गई 4। कुल संख्या कितनी हो गई? 4। प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, 4/36, 4 × 4 = 9, 36। तो प्रायिकता कितनी आई? 1/9। किसकी? जब संख्याओं का योग 9 है। संख्याओं का योग 9 है तो 9 की संख्या ही 1, 2, 3, 6, 1, 4, 5, 1, 5, 4, 1, 6, 3, 4 संख्या ही, तो 4/36 = 1/9। अब दूसरा, संख्याओं का योग 13 हो,
तो अपन देखते हैं कि पासे में दो पासों में संख्याओं का योग 12 से अधिक होता ही नहीं, और ये पूछता है संख्याओं का योग 13 हो तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। 6 6 12 होते हैं, इससे आगे कोई संख्या नहीं आता है। अनुकूल परिणाम क्या हो गया? 0। अनुकूल परिणाम 0 हो गया यहाँ पर। तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम हो 0, कुल परिणाम 36, 0 में 36 का भाग दिया तो कितना आया? 0 आया। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे है प्रश्न 9। ये क्वेश्चन इस प्रकार के 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल है और 3 नंबर का बोर्ड में हर बार ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इस थैले में से कितनी गेंद निकाली जाती है? एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, दूसरा सफेद नहीं हो? थैले में लाल गेंद है 5। कितनी है थैले में लाल गेंद? 5। थैले में लाल गेंद है 5, सफेद गेंद है 3। थैले में कुल गेंद है 5 प्लस 3 बराबर 8। थैले में कुल गेंद कितनी होगी? 5 प्लस 3 बराबर 8। सफेद गेंद होने की प्रायिकता पी, सफेद गेंद होने की प्रायिकता पी बराबर सफेद गेंद ऊपर और थैले में कुल गेंद नीचे। सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बट्टे सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम सफेद गेंद कितनी है? 3। कुल गेंद थैले में कितनी है? 8। तो पीई बराबर हो गया 3/8। दूसरा, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, गेंद होने की प्रायिकता आपको दे रखी है तो नहीं होने की निकाल सकते हैं। पीई दे रखा है गेंद होने की प्रायिकता, तो पी ई का बार गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी। एक में से गेंद होने की प्रायिक सफेद गेंद होने की प्रायिकता घटाते हैं, तो पीई का बार बराबर 1 माइनस 3/8। पीई का बार बराबर 1 माइनस 3/8। लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया 8, तो 8 एकम 8 और ये 3 एकम 3, 8 में से 3 घटाया तो कितना आया? 5/8। तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता को पीई का बार से प्रदर्शित करते हैं, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता को पी ई के बाहर से प्रदर्शित करते हैं। तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता तो आई 3/8, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता आई विद्यार्थियों 5/8। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 10। किसी कारण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, विद्यार्थियों ध्यान से समझना और आसान सरल है। किसी कारण 12 खराब पेन, कितने खराब पेन है? 12, 132 अच्छे पेनों में मिल गए, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? यदि एक पेन चुना जाता है तो उसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? तो हल, खराब पेन है 12, खराब पेन कितने हैं? 12, अच्छे पेन कितने हैं? 132,
कुल पेन कितने हो गए? 12 तो खराब है, 132 अच्छे हैं, तो कुल पेन हो गए 12 प्लस 132 बराबर 144 पेन। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता पीई बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। पीई बराबर अच्छे पेन बटे कुल पेन। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता अच्छे पेन ऊपर और कुल पेन नीचे, 132 बट्टा 144। इनको काट दिया 12 से, तो 12 से काटा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 11 आ गए। 12 कब आ गया 144 में? 12 बार, तो ये आ गया 11 बट्टा 12। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता आई 11 बट्टे 12। कितनी आई? 11 बट्टे 12। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 11। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लाल रंग का गुलाम, दूसरा है लाल रंग का पत्ता, तीसरा है पान का इक्का, चौथा है ईंट की बेगम और पांचवा है हुक्म का पत्ता। ये पांच आपको निकालने, प्रायिकता निकालनी है इनकी। विद्यार्थियों अपन जानते हैं ताश के बारे में मैंने आपको प्रायिकता शुरू की उस समय बताया भी था कि ताश की कुल पत्तियां 52 होती हैं, पत्तियां 4 भागों में बंटी होती हैं, हुक्म चीड़ी ईंट और बादशाह। अब प्रत्येक 4 बार बराबर भाग करते हैं तो 13 13 पत्तियां होती हैं। इसमें 13 पत्ती हुक्म की होती हैं, 13 पत्ती ईंट की होती हैं, 13 पत्ती चीड़ी की होती हैं। इस प्रकार से 13 13 पत्तियां होती हैं, 13 पत्ती पान की होती हैं। अब कुल ताश की पत्ती 52 में से 26 पत्ती लाल रंग की होती हैं और 26 पत्ती काले रंग की होती हैं। और इनकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले अपन देखो विद्यार्थियों, ताश की कुल पत्ती, ताश की कुल पत्ती 52 है। लाल रंग का गुलाम, गुलाम लाल रंग का गुलाम 4 होते हैं जिसमें से 2 लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं। तो गुलाम लाल रंग का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता, गुलाम कितने होते हैं? 4। 4 में से 2 लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के। तो लाल रंग का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम 2 बट्टा 52, 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, तो ये आ गया 1 बट्टा 26, 1 बट्टा 26। दूसरा है लाल रंग का पत्ता, पान और ईंट का होता है। लाल रंग का पत्ता किसका होता है? पान और ईंट, पान व ईंट चीड़ी और हुक्म काले रंग के, और पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग का पत्ता पान के होते हैं 13 और ईंट के पत्ते होते हैं 13, तो कुल पत्ते हो गए 26। तो लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? 13 प्लस 13 26। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम।
तो पी ई बराबर अनुकूल परिणाम, कुल लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं तासु में, 52 में से 26 बट्टे कुल सभी संभव परिणाम 52, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता आई पी ई बराबर 1/2, 1/2। तीसरा है पान का इक्का, पान का इक्का, ताश की गड्डी में पान का इक्का एक होता है, ताश की गड्डी में पान का इक्का कितना होता है, एक पान का इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक हुक्म का इक्का होता है, इस प्रकार से ताश की गड्डी में पान का इक्का कितना होता है, एक, तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया, एक। पान का इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम पान का इक्का एक होता है ताश की गड्डी में, तो एक, सभी संभव परिणाम कुल ताश की पत्तियां 52 होती हैं, तो ये हो गया 1/52। इसी प्रकार से अगला ज्ञात करना है ईंट की बेगम, ताश की गड्ढे में ईंट की बेगम भी एक होती है विद्यार्थी, ताश की पत्ते में ईंट की बेगम भी कितनी होती है, एक होती है, तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया, एक। ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, तो अनुकूल परिणाम एक, सभी संभव परिणाम ताश की कुल पत्तियां हैं 52, तो 1/52। तो ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता पीई बराबर 1/52। पांच, अगला है हुक्म का पत्ता, ताश की गड्ढे में हुक्म का 13 पत्ते होते हैं विद्यार्थियों, ताश की गड्ढी में हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 13, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 13। हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता पीई, हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता पीई बराबर 13/52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता आई 1/4, हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आई 1/4। विद्यार्थियों प्रायिकता की प्रश्नावली यहीं पर संपन्न होती है, अगर इसमें किसी के कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये प्रश्नावली बोर्ड में 4 नंबर की आती है, इसमें 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन ए सेक्शन में आता है और 3 नंबर का क्वेश्चन सी सेक्शन में आता है, और यह सबसे आसान है, सरल है, इसलिए आप इसको पढ़ना, इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो आपका ये 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस प्रश्नावली का गृह कार्य, पहला क्वेश्चन है, एक पासे के फेंकने पर, पासे को जब फेंका जाता है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, पासे को फेंकने पर सम, विषम, अभाज्य कोई भी अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार से एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 2 है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, सिक्के को जब उछालते हैं तो विद्यार्थियों आप जानते हैं या तो पट होगा या चित होगा, तो जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसके पट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तीसरा, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है,
तो ये तो घटना घटने की प्रायिकता, ये घटना नहीं घटने की प्रायिकता, इसलिए एक में से इसको घटाना है आपको और करना है। अब प्रश्न नंबर चार है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक जिताने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को दो बार उछालो चाहे दो सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक है, तो कम से कम एक जिताने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हेड टेल, टेल हेड टेल, इस प्रकार से लिख के आपको ज्ञात करना है। प्रश्न पांच, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग सात हो। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने बताया था कि दो पासों का एक ये चित्र बनाना है, एक एक दो दो तीन तीन, इस प्रकार से कुल घटनाएं पासे में 36 हो जाएंगी, और फिर संख्याओं का योग सात आने वाली संख्याएं देखनी है, किन किन संख्याओं का योग सात आता है वो संख्याएं लिखनी है ऊपर, और कुल घटनाएं लिखनी है नीचे 36। इसी के साथ प्रायिकता का जो टॉपिक है वो आज अपना पूरा होता है। ये गृह कार्य करना है, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करना। और विद्यार्थियों, अब अपन कल नई प्रश्नावली शुरू करेंगे इसी समय, तो आप ध्यान पूर्वक देखना और फिर याद करना। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। विद्यार्थियों, अब जो विद्यार्थी 10th क्लास में थे उनकी बोर्ड की परीक्षा की तारीख आ गई है 29 और 30 जून। 29 को सामाजिक, 30 को गणित। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं, और जो मैं ये पढ़ाता हूँ इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, और इसी के आधार पर आप अपना तैयारी करें तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसमें आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।